गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुबह ही सुबह बारिश की बूंदों के दर्शन हो रहे हैं। बारिश हुई है अच्छी खासी, तो पौधों को अगेन पानी की ज़रूरत नहीं है, फ्री में नाइट्रोजन मिल गया है, पौधे एकदम से खुश हैं। कुछ क्वेरीज हैं, अगेन रिप्लाई करूंगी, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आंसर्स होते हैं, पूरा वीडियो आप देखते नहीं हैं और फिर आपकी क्वेरीज रह जाती हैं, फिर आप पूछते हैं, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अभी कल परसों ही क्वेश्चन था कि मैम कनेर क्या घर में लगा सकते हैं, तो देखिए जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, जो भी फूल भगवान को चढ़ता है, खासकर पीला कनेर जो मैंने बचपन से आज तक देखा है, शिव जी का प्रिय है, बिल्कुल लगा सकते हैं। और आप पता नहीं यकीन करेंगे या नहीं, इस टाइम पर मेरे टेरेस पर इसकी खुशबू आ रही है। मैं अभी सोच रही थी ये खुशबू एकदम डिफरेंट थी, किसकी आ रही है, इसके फूल को सूंघा तो इसके अंदर से वो खुशबू आ रही है और एक ऑरा बन जाता है खुशबू का, बहुत प्यारा। लेकिन हाँ, आप जैसे देखती हूँ मैं सोशल मीडिया पर लोग बच्चों को फूल सूंघाते हैं, तो प्लीज़ वो गलती मत करिएगा। देखिए इसके अंदर कितनी सारी आपको नज़र आ रही होंगी छोटी वाली जो चींटियाँ होती हैं, तो नाक में घुस गई आपके बच्चे के, आपके तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ फूलों को सूंघने से पहले ध्यान रखा करिए, उनके अंदर स्पाइडर्स भी होती हैं और ये चींटियाँ भी होती हैं। तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं इन पौधों को, क्योंकि पहली चीज़ तो देखिए हार्डी प्लांट है, एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है, और जब फूल आएंगे तो भर भर के फूल आएंगे, खुशबू भी बिखेरेंगे। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ये पॉइजनस होता है, इससे आप अपने पौधों के लिए पेस्टिसाइड भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि इसको कोई भी जानवर खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर से ऐसा एक द्रव्य निकलता है जो कि जानवर नहीं पसंद करते हैं, तो थोड़ा जहरीला होता है। काम करते टाइम थोड़ा ध्यान रखिए, बट डेफिनेटली इस पौधे को लगाइए, पॉजिटिव एनर्जी वाला पौधा है और फ्री का पेस्टिसाइड बन जाएगा। बनाना कैसे है, वही घोल के आप पानी में रख दीजिए 15-20 दिन के लिए डिकम्पोजर में, और उसके बाद यूज़ करते टाइम थोड़ा ध्यान रखिए, ग्लव्स पहन के करिएगा। और मुझे अल्टीमेटम मिल गया है कि भाई पौधे बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, थोड़े से कम करो। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मेरे अलावा घर में कोई तैयार नहीं होता है, ना मेरा बेटा ना मेरे हस्बैंड पानी लगाने के लिए, क्योंकि जब भी वो लोग पानी लगाते हैं एक आध प्लांट छूट जाता है और वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, मैं गुस्सा करती हूँ तो कोई भी रेडी नहीं होता है, और मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अभी तो देखिए लगातार बारिश हो रही है, तो पानी भगवान जी दे दे रहे हैं, लेकिन जब मैं लगाती हूँ तो मैं भी थक जाती हूँ अब पानी लगाने में, क्योंकि पौधे पास हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और कंजेस्टेड होने से काफ़ी सारी चीज़ें और जो हैं क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कि देखिए इसके पीछे एक कॉलियस का पौधा नज़र आ रहा होगा, अभी तो ये चल रहा है, लेकिन ये किस दिन गल के ख़राब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि ना तो वहाँ प्रॉपर हवा पहुँच रही है ना ही धूप पहुँच रही है। तो पौधे बहुत ज़्यादा गर्मियों में तो देखिए चल जाता है, क्योंकि हीट जोन इतना ज़्यादा होता है, लेकिन इस टाइम पर कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, पीछे रहने वाले पौधे नेग्लेक्टेड हो जाते हैं और इस वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बाकी प्रभु इच्छा, जैसा दिमाग काम करेगा वैसे करूँगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मैम गुलाब की प्रूनिंग कर सकते हैं क्या? तो देखिए प्रूनिंग का करने जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिस भी पौधे में रिक्वायरमेंट है उसमें सब में आप प्रूनिंग कर लेंगे। जैसे देखिए अभी देशी गुलाब में आप देख रहे हैं मेरे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, और मुझे देशी गुलाब चाहिए होता है चाय के लिए, तो मैं इसको उगने दे रही हूँ, अभी प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ, मैं करूँगी 15 सितंबर के बाद। तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि इस सर्दियों में तो आपको पता ही है बहुत बड़ा साइज़ आता है, और अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लांट को अभी रिक्वायरमेंट है तो आप 30 तारीख तक डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन करने के बाद क्या चीज़ याद रखेंगे, जहाँ से भी आप प्रून करेंगे तो एक तो देखिए शार्प कटर लीजिएगा, इन्फेक्टेड ना हो उसको थोड़ा सा क्लीन कर लीजिएगा बायो एंजाइम या किसी भी चीज़ से, उसके बाद में उस जगह पर कट करने के बाद में एलोवेरा कट करके लगा दीजिएगा, जैसे मैंने अक्सर आप लोगों के साथ वीडियोस में शेयर किया है। उससे क्या होता है कि जो ऊपर का स्टेम होता है वो इन्फेक्टेड नहीं होता है और आपका पौधा डाइवेक में नहीं जाता है, क्योंकि गुलाब में सबसे ज़्यादा होता है डाइवेक, मेरे यहाँ जो प्रॉब्लम आती है डाइवेक की आती है, और थ्रिप्स और माइट्स तो होते ही होते हैं, उसके लिए तो आप बायो एंजाइम बिन आँख बंद करके यूज़ करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपके यहाँ पर बहुत शानदार फ्लावरिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम बायो एंजाइम में बड़ा कन्फ्यूज़न है, कौन सा कब यूज़ करना है? तो देखिए फूल लाने हैं तो खट्टा करिए, फूल आने के बाद अगर आपको बीज बनाने हैं यानी पॉलिनेशन करवाना है तो आप मीठा करिए, और मीठा करने के बाद नेचुरल है जब फल बन जाता है किसी भी चीज़ का तो इंसेक्ट आते हैं फलों में छेद करने के लिए, तो आप कड़वा करिए, सिंपल सा लॉजिक है, पेस्ट से बचने के लिए कड़वा करिए, पॉलिनेशन के लिए मीठा करिए, और फूल लाने हैं तो खट्टा करिए। ये एक साइंस है, देखिए जो नेचुरल तरीके से गार्डनिंग करते हैं वो सभी लोग अपनाते हैं, मैं भी अपना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
और बाकी तो मैं यही कहूँगी कि एक इकोसिस्टम मेंटेन कर लीजिए कि आपके यहाँ पॉलिनेटर्स भी आएँ, आपके यहाँ मिट्टी भी बहुत अच्छी हो जाए और आपके यहाँ पर सारे जीव और कीट पतंगे आएँ, जिससे कि फ्लावरिंग भी होती रहे, फ्रूटिंग भी होती रहे, बीज भी बनते रहें और सारी चीज़ें अपने आप मैनेज होती रहें। तो धीरे धीरे करके आपके यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम मेंटेन हो जाएगा कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा फूल चाहिए तो स्पेंट फ्लावर्स हटाते रहिएगा, और अगर बीज बनाने हैं तो फूलों को छोड़ते रहिएगा। बस उससे यही होगा कि फूल आने कम हो जाएंगे। और अब देखिए कितनी सारी वैरायटी की मिर्ची आए, भगवान नज़र ना लगे। देखिए बहुत खुश हो जाता है दिल जब आपकी मेहनत सफल होती है। देखिए आप बंचेज में कितनी सारी मिर्चियाँ हैं और अलग अलग वैरायटी की हैं। और ये सब जो घर में लाल मिर्ची आती है ना, उन्हीं के बीजों से तैयार पौधे हैं ये देखिए। और ये देखिए आकाशी मिर्ची बोलते हैं, बहुत तीखी होती है, ये सीधी ऊपर की साइड में आती है, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं सोच रही थी इसका बीज मेरे से मिस हो गया और ये पौधा मेरे से चला गया, बट कृपा रही भगवान की, अपने आप एक पौधा उगा था जिसमें ये बीज मेरे पास वापस आ गया। तो कहते हैं ना, मांग के देखिए भगवान से, आपकी विश ज़रूर पूरी होती है समय आने पर। तो देखिए ये आकाशी मिर्ची वापस आ गई है, तो अब इसका बीज बनाकर सुरक्षित अपने पास में रख लूँगी। तो आने वाली सर्दियों में हो सकता है आपको मेरे गार्डन में ये रंगत ना दिखे, क्योंकि मैं लगाऊंगी ज़्यादा, मतलब दूसरी तरीके की रंगत नज़र आएगी, क्योंकि ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स हैं वो थोड़े से कम रखूंगी, कि जो मेरा मोटिव है वो ख़त्म हो रहा है। ग्रो योर ओन फूड्स मैं लगाऊंगी। सब्जियाँ खूब सारी तो देखती हूँ कैसे मैनेज करती हूँ, बने रहिएगा चैनल पर, रेगुलर शेयर करूँगी। और अगर लो बजट गार्डनिंग करनी है तो आपको जो मैं शेयर कर रही हूँ वो अपना लीजिए, यकीन मानिए आपका खर्चा ना के बराबर रहेगा। मैंने पिछले 3 साल में 1 रुपए की भी खाद नहीं खरीदी है, जो भी कुछ बनाया है ग्रीन वेस्ट और ब्राउन वेस्ट से बनाया है। और फ्लावरिंग और फूलों की हेल्थ आप सब लोग देखते ही हैं। तो लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक तो अपने वेस्ट को मैनेज करना शुरू कर दीजिए, समय का ध्यान रखिए, कब क्या छिड़कना है, कब क्या लगाना है, कब क्या बोना है, यकीन मानिए गार्डनिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मिट्टी में दबाते रहिए केले का छिलका, प्याज का छिलका, बायोएंजाइम स्प्रे करते रहिए, जीवित मिट्टी बनाते रहिए, मिट्टी के जीवों को मारना बंद कर दीजिए, केमिकल उठाकर फेंक दीजिए, यकीन मानिए मैजिक होगा। बने रहिएगा मेरे वीडियोस में, अगर वीडियोस पसंद आते हैं, जो भी शेयर कर रहे हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया, लाइक एंड कमेंट करने वालों को भी दिल से बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा चैनल पर, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ कि जो लिक्विड बनाया था हमने नाइट्रोजन के लिए, उसको कैसे यूज़ करना है और कैसे बनाना है। तो जुड़े रहिएगा, थैंक यू वंस अगेन।